सामने जो आपके 2727 दिख रही है, तो भाई ये है निसान की पेट्रोल, जो कि सलमान भाई ने अभी रिसेंट में परचेज की है अपनी सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो भाई आज हम इस गाड़ी के ऊपर बात करेंगे। वैसे ये आर्मर्ड व्हीकल है और भाई भारत के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो खुद से ही आर्मर्ड व्हीकल बेच रही है, मतलब ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां बेच रही है, लेकिन ये गाड़ी टोटली CBU है, मतलब ये इंडिया में नहीं आती है, निशान इसे इंडिया में नहीं बेचता है, बट ये बाहर की कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और लेकिन है ये इतनी बड़ी SUV जिसका वेट लगभग 3500 किलो है, तो भाई 3500 किलो बहुत ज्यादा वेट होता है। इसके अंदर दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक V6 V8, तो भाई डिटेल में बात करेंगे। अपना ग्लोबली अपडेट 2020 में आया था, इसका नाम पेट्रोल है, वो पेट्रोलिंग वाले नाम से पेट्रोल लिया गया है। बाकी ये गाड़ी पेट्रोल में भी आती है और डीजल में भी आती है। डीजल पहले आता था बाहर की कंट्रीज में, और इंडिया में तो भाई इसको CBU ही करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो इंजन है वो पेट्रोल इंजन है, 5552 cc का, जो कि V8 इंजन है, 400 horsepower देता है और भाई 560 Nm का टॉर्क, बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी बात भाई, इसके अंदर 4x4 फुल कैपेसिटी मिल जाती है आपको, ऑल मोड मिल जाते हैं जिसमें रोड, सैंड, स्नो, रॉक, सब मोड आपको मिलते हैं, फोर व्हील ड्राइव का सिलेक्शन मिलता है। इसकी लंबाई 5 meter से भी ज्यादा है और 3500 किलो वजन आपको मैंने बताई दिया। टर्निंग रेडियस इसका 6.25 meter है। इसमें मस्त आपको 7 seating मिल जाती है, मतलब 7 लोग आराम से बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। और सच में ये SUV है क्योंकि इतनी बड़ी है। इसके राइवल में टोयोटा लैंड क्रूजर है और भाई बाहर की मार्केट में जाओगे तो आपको GMC वगैरह रैम वैम मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में तो जो पॉपुलर है भाई लैंड क्रूजर, इसका सीधी टक्कर दिखी जाती है। भाई इसके अंदर आपको 140 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। भाई फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएंगी, रियर में डिस्क मिल जाएंगी और सस्पेंशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं टायर की, तो 265 साइज का इसके अंदर टायर आता है, वो भी 18 इंच का, काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि, और फीचर्स की तो इसमें भरमार दे रखी है भाई, जो भी फीचर्स बोलोगे आपको सारे मिलेंगे। LED लाइट, सनरूफ भी दिया गया है भाई, और ऊपर से इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है 283 mm की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है भाई। इसमें कोई भी लिफ्ट किट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब पार्ट LED यूज़ हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ गाड़ियाँ इन हाउस में ही आपको आर्मर्ड मिल जाती हैं, जैसे BMW, Mercedes, रेंज रोवर, ये खुद ही आर्मर्ड व्हीकल बना के देते हैं आपको, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको आप आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि भाई इंडिया की ही है कंपनी, जिसका नाम है महिंद्रा एमिरेट्स व्हीकल आर्मरिंग, जो कि यूके बेस्ड, यूके एक ज्वाइंट वेंचर के साथ मिलके कोलैब में बनी हुई है कंपनी। और ये कंपनी भाई हर गाड़ी को आपको आर्मरिंग करके दे देती है और ये कोट भी देती है, इनकी पूरी वेबसाइट आपको डिजाइन मिल जाएगी। और दूसरी बात, इसके अंदर अगर आप निसान पेट्रोल के बारे में देखोगे तो इसको भी इन्होंने ही मतलब आर्मरिंग कर रखी है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन लेवल CEN BR6 दिया है, आपको फिटेड रेडियो मिल जाता है, मल्टी लेयर बैलिस्टिक ग्लास मिल जाता है, बुलेट प्रूफ ग्लास को कहते हैं, और इंजन एंड बैटरी प्रोटेक्शन दिया गया है, रन फ्लैट सिस्टम दिया गया है जो कि टायरों के लिए होता है, प्रोटेक्टेड फ्यूल टैंक आ जाता है, रूफ हैच आ जाती है, इंटरकॉम सिस्टम, सायरन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, हैवी ड्यूटी सस्पेंशन भी इनका, क्योंकि इतना ज़्यादा गाड़ी में वेट बढ़ेगा तो भाई सस्पेंशन को ट्यून करना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और एडिशनल में आ जाए तो टैक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग, रिमोट स्टार्ट, स्टेल्थ मोड, ब्लैकआउट ऑप्शन जिसको बोलते हैं, जो जेम्स बॉन्ड की गाड़ियों में आपको कूल दिखने के लिए मिलता था, वो इसमें भी है, बिल्कुल स्टेल्थ मोड, एक तरीके से छुपके से गाड़ी कहीं पे भी निकल जाएगी, सर्वेलेंस, ECM, CNC कॉन्फ़िगरेशन, टायर इन्फ्लेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक विंच, एडवांस लाइट पैकेजेस, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ब्लास्ट माइग्रेशन, फ्लोर मैट, सब कुछ इसके अंदर दिया गया है भाई। तो ये गाड़ी भाई इसीलिए ली जाती है ताकि लोग भाई अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दे सकें। और इस गाड़ी के अंदर जो इंजन कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने आपको बता ही दी। बाकी ये गाड़ी वैसे इसकी कीमत की बात कर ले तो मार्केट में मतलब दुबई के हिसाब से बता दूँ तो 80 लाख रुपये की लगभग में ये गाड़ी पड़ जाती है, अगर आप इसका निस्मो एडिशन नहीं देते हो। निस्मो एडिशन लोगे तो लगभग में 95 लाख का पड़ेगा। अब इंडिया में 100% आपको टैक्स देना पड़ेगा इस चीज़ को, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो ये गाड़ी वहीं पर लगभग में 1.5 से 2.25 crore के बीच में इंडिया में आती है। और अगर आप इसमें आर्मरिंग कराना चाहोगे तो भाई कम से कम 50 से 60 लाख रुपए या 80 लाख रुपए और मान लो, जैसी आप आर्मरिंग इसको जिस लेवल की आपको ये बुलेट प्रूफ बनानी है आपको करवानी पड़ती है। तो ये थी भाई निसान की पेट्रोल, जिसको हाल ही में भाई अभी खरीदा है और काफी ज्यादा सेलिब्रिटी भाई अब LC 300 और निसान के पेट्रोल की तरफ जाने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बाहर की मार्केट में इस गाड़ी ने भाई अपने नाम के झंडे गाड़ रखे हैं। ऑफ रोड भी कैपेबल है भाई, रिलायबल तो मल्टी रिलायबल है। इनकी वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आपको बकायदा दिखाएंगे कि हाँ आपका साल का ना इतना खर्चा सर्विस में लगता है, और इतनी ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी ने दिखाई थी जिसका नाम था फोर्ड। तो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।